हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वे सिविल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आज ऑटोकैड में आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा। जैसे पर्सनली डेडिकेट हमारा जो भाई है, एक भाई हमको इंस्टाग्राम में मैसेज किया है जिसका नाम है गणेश बाबिल, ठीक है। तो वो क्या किया, तो आप लोगों को हम इसको ऑटोकैड स्क्रीन को पहले बड़ा कर लेते। उसके बाद वो क्या किया, जो एक रेंडमली वो कोऑर्डिनेट उठा लिया, भाई क्यों किया मालूम नहीं, लेकिन एक रेंडमली देख सकते, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इसमें रेंडमली कोऑर्डिनेट उठा के एक एरिया वो बनाया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, देख सकते हैं। इसके बाद जो रेंडमली पांच कोऑर्डिनेट लेकर एक एरिया बनाया आगे, और एरिया बनाने के बाद देख सकते हैं उसके सामने एरिया का एक कैलकुलेट आया है 9792090590.365। तो ये जो कैलकुलेशन आया है, तो हम इसको क्या किया, देखिए इसमें ऑटोकैड में हम इनपुट किया हूँ, उसके बाद हमको पता चला जो ये जो सच में जो है ना, ये एक्चुअली कुछ काम का नहीं है और रेंडमली किया है। तो कोई बात नहीं, इससे भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा, सीख सकते हैं, कोई बात नहीं, इससे भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एक काम कर लीजिए, पहले हम कैसे इनपुट किया है वो तो दिखाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और भाई का भी तड़ा है, जल्दी है भाई को भी। तो हम ऐसा करेंगे, इसको एक पॉइंट कैसे इनपुट कर सकते उसको लिए दिखा देता हूँ, जो कैसे एक पॉइंट इनपुट कर सकते। तो उसके लिए पहले आप लोगों को कमांड ले लेना है, कीबोर्ड में टाइप करें सी, और सी बनने के बाद देख सकते हैं कमांड बार में आ गया सर्कल, ठीक है। और सर्कल में इनपुट होने के बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप लोग का पहला वाला कोऑर्डिनेट डालिए, पहले स्ट्रिंग डालना है उसके बाद नॉर्थिंग, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग हमारे पास जो है 1814.795, ओके। और उसके बाद आपका है कोमा, उसके बाद आपका है 4613.622, ओके। उसके बाद आपको एक काम करना है, एंटर करना है, ठीक है। तो स्ट्रिंग पहले देने के बाद उसके बाद कोमा जो सिंबल है उसको देना है, उसके बाद आप लोगों को एंटर करना है। और एंटर करने के बाद देख सकते हैं सर्कल क्रिएट हो जाएगा खुद ब खुद जो पोजीशन में आपका कोऑर्डिनेट है। तो इसका आप एक काम कर लीजिए, तो जितना रेडियस देना है उतना दे दीजिए। मान के चलिए हम इसको रेडियस दे देता हूँ, हमारे हिसाब से हम इसको 5 मीटर दे देता हूँ, ठीक है। तो 5 मीटर तो छोटा होकर इधर रुक जाएगा, तो इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैं करके रखा हूँ, दोबारा आप लोगों को एक पॉइंट दिखाया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा कर सकते। तो इसका फुल ट्यूटोरियल मैं लेकर आऊंगा, लेकिन भाई हमारा कमेंट किया, तो इसका दौरान आप लोग भी सीख सकते हैं जो कैसे कोऑर्डिनेट को इनपुट किया जाता है ऑटोकैड ड्राइंग में। तो ये क्या है ना, ऐसा हो गया, सर्कल हो गया, उसके बाद देख सकते इसको पॉलीलाइन से जोड़ लीजिए, ठीक है। तो पी एल्डर करिए, पी एल्डर, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, पी एल्डर, पी एल एंटर बा पेस बटन को दबाइए, उसके बाद इसमें क्लिक करिए, जो टारगेट फिक्स करिए बराबर, पहला वाला क्लिक करिए, उसके बाद दूसरा वाला क्लिक करिए, तीसरा वाला क्लिक करिए, और चौथा वाला क्लिक करिए। और इसका भाई साहब का ये जो आखिरी में पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट मैं बता देता हूँ, 8000.18000.145.0, ये वाला पॉइंट है, देख सकते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये भाई मैं इसको देख के पकड़ा हूँ उसको, जो रेंडमली उठाया है भाई, क्योंकि ऐसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद इसको हम अंडू कर लेते, क्योंकि हमारे पास वो था, ठीक है, अंडू कर लेते एक बार, वो हमारा पॉलीलाइन था, तो पॉलीलाइन क्रिएट करके रखा था, तो देख सकते हैं इसको हम पॉलीलाइन क्रिएट करके रखा हूँ। इसको हम क्या कर देंगे ना, लिस्ट कमा लेके एरिया चेक कर देंगे, ठीक है। तो एक बार लिस्ट कमा ले लेता हूँ, इसको क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करने के बाद इसको एल आई, ठीक है, जो लाइन आपको पूरा सिलेक्ट होना है, जितना आपके पास लाइन है, तो इसको लाइन सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद लिस्ट कमा ले लीजिए एल आई, उसके बाद एंटर कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं जो इसका भाई साहब का एरिया निकला था 9792, ठीक है, 059, तो वही हमारा वो निकल का आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी निकलना है, और आई होप जो हमारा कौन सा भाई था, गणेश भाई का हेल्पफुल वीडियो जो था मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए सुस्त रहे, अच्छा रहे, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहे, अच्छा रहे। इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए, एरिया ये जगह का, ठीक है, मिल गया भाई गणेश बाबा। चलो मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।